हल्द्वानी के निजी मेडिकल कॉलेज के कुछ कर्मचारियों पर आरोप लगा था कि उन्होंने एक्सरे एमआरआई समेत अन्य जांचों के नाम पर मरीजों से फीस तो ली, लेकिन वह फीस मेडिकल कॉलेज के खाते में जमा नहीं की। वहीं इस मामले में मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने जांच के दौरान एक महिला कर्मी के घर से कई रसीद बुकें बरामद की। साथ ही अन्य दो महिला कर्मचारी इस मामले में गंभीर लापरवाही मानते हुए कॉलेज प्रशासन ने उनकी सेवाएं समाप्त करने को लेकर भी निदेशालय को पत्र भेजा है। वित्त नियंत्रक जांच अधिकारी एसपी सिंह ने बताया कि अभी तक की जांच में उपनल कर्मी दोषी पाई गई हैं। पंजीकरण प्रभारी महिला कर्मी की भी गलती है, जिन्होंने रसीदों की गणना का ध्यान नहीं रखा। हमने निर्देशालय को पत्र लिख दिया है और उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हमारे सामने गड़बड़ी सामने आई थी कि एक महिला कार्मिक द्वारा अस्पताल में ओपीडी की रसीदें काटी जा रही हैं और रसीदें भी और उसके साथ धनराशि भी जमा नहीं की जा रही है। तो हमने जब जांच की तो हमने पिछले लगभग एक वर्ष की 1,75,000 रसीदों की पूरी जांच पूरी कर ली है और उसमें जो सामने आया कि 946 ऐसी रसीदें थी जो संबंधित कार्मिक द्वारा काटी गई लेकिन अस्पताल में जमा नहीं की। उसके सापेक्ष कुल धनराशि 7,57,867 रुपये बनती है जो संबंधित कार्मिक द्वारा जमा की जानी थी। हालांकि बाद में जब मामला संज्ञान में आया तो कार्मिक के द्वारा दो किश्तों में 7,77,000 रुपये जमा करा दिए गए थे। इसके अतिरिक्त 34 रसीदें अभी भी ऐसी हैं जो संबंधित कार्मिक द्वारा काटी गई थी या बरामद नहीं हो पाई हैं, अभी हमारे संज्ञान में नहीं है लेकिन वो हमारे इसमें जमा नहीं हो पाई हैं। इसके अतिरिक्त इस पूरे प्रकरण में एक मेजर जो लापरवाही सामने आई है वो जो पंजीकरण विभाग की प्रभारी थी उनके द्वारा सामान्य रूप से चेक नहीं किया जाता कि प्रतिदिन हम जो जितनी रसीदें दे रहे हैं वो वापस आ रही हैं। तो यह मामला पिछले लगभग एक वर्ष से चल रहा है तो ये पंजीकरण प्रभारी थी उनके स्तर से भी घोर लापरवाही आई है।